नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोगों से एक बात कर रही है कि आप लोग अगर फ्यूचर में कोई भी स्मार्टफोन लेने जाते हैं ना, तो पोको का भूल कर भी आप लोग स्मार्टफोन मत लेना। इसके रिगार्डिंग मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं दोबारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज भी मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर जो सैमसंग के A10 यूजर हैं उन सभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है मुझे कि उनके डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 11 का अपडेट रिलीज़ हो चुका है। और जो यहाँ पर पोको M2 Pro है, जिन्होंने यहाँ पर 15,000 रुपये 14,000 रुपये बर्बाद कर दिए पोको M2 Pro खरीदने के बाद, इनके डिवाइसेज के अंदर अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला और अभी भी डिवाइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। किसी के फ़ोन में चार्जिंग इशू है, किसी के फ़ोन के अंदर हीटिंग इशू है, किसी के स्मार्टफोन में यहाँ पर बैटरी इशू है। तो इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी ये कंपनी कहाँ पर सोई हुई है, या जिंदा भी है कि नहीं, या फिर ये धरती के ऊपर है भी कि नहीं ये कंपनी, क्योंकि इतना टाइम लगता है अपडेट रिलीज़ करने में। Redmi Note 9 Pro के अंदर 2 महीने पहले अपडेट को रिलीज़ कर दिया गया। Redmi Note 9 Pro Max के अंदर अपडेट को 2 महीने पहले रिलीज़ कर 1 महीने पहले रिलीज़ कर दिया गया, जून के लास्ट वीक में। फिर Poco M2 Pro के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफी क्यों हो रही है? Poco M2 Pro जब से लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, तब से Xiaomi वालों ने कसम खा ली थी कि हम इसके साथ नाइंसाफी करेंगे, इसके यूजर्स के साथ नाइंसाफी करेंगे। Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro दोनों एक जैसे डिवाइस है, सिर्फ दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है, वो है कैमरा का। एक में 64 मेगापिक्सल का, एक में 48 मेगापिक्सल का। बाकी सारा हार्डवेयर, इंटरनल सिस्टम सब कुछ सेम है, तो भी अपडेट में इतना टाइम। एक 8,000 से 10,000 रुपये के स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉयड 11 और UI 3.1 का जो अपडेट हो रिलीज़ कर दिया गया, पर एक 15,000 रुपये के स्मार्टफोन के अंदर अभी तक एंड्रॉयड 11 नहीं आया। अरे 2 महीने से एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देखने को नहीं मिला यहाँ पर पोको M2 Pro यूजर्स को। कितना यहाँ पर भेदभाव होगा, कितना ज़्यादा तरसाया जाएगा यहाँ पर पोको M2 Pro यूजर या पोको के अदर जितने भी डिवाइसेज हैं। पोको के जितने भी यहाँ पर डिवाइसेज है, चाहे M2 हो गया, चाहे M2 Pro, M3, M3 Pro, जितने भी डिवाइस हैं, उन सभी को जो अपडेट है ना, वो Redmi के डिवाइसेज के बाद ही देखने को मिलेगा। आप लोग भूल जाइए कि आप लोग कभी भी जो अपडेट है ना, Redmi के डिवाइसेज से पहले देखने को मिल जाएगा। चाहे कोई नया MIUI 13 भी आ जाएगा ना, तो सबसे पहले Redmi के डिवाइसेज में ही जाएगा, फिर पोको के डिवाइसेज में जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप लोग को जो ये अपडेट है वो सबसे पहले पोको के डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाए। इतना टाइम हो गया पर अभी तक इस डिवाइस के अंदर, पोको M2 Pro के अंदर एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं रिलीज़ करा गया है, ना ही हमें MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिला है। तो आखिर कब देखने को मिलेगा? यहाँ पर 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, 2-3 दिन पहले, जिसमें मैं बताया था कि अगस्त के लास्ट वीक में आएगा। आएगा दोस्तों, इस महीने के अंदर जरूर यहाँ पर संभावना बनी हुई है, 100% चांस है कि इस महीने के अंदर आपको एंड्रॉयड 11 अपडेट मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पर पोको M2 Pro के अंदर। और जो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max यूजर है और Redmi Note 9 Pro है, उनको इस महीने के अंदर MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि अपडेट है दोस्तों आप सभी को, मी पायलट यूजर को सबसे पहले देखने को मिलेगा और सितंबर में कंप्लीट यूजर को, पोको M2 Pro के जितने भी कंप्लीट यूजर हैं उन सभी को सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर कंप्लीट 100% जितने भी यूजर हैं उन सभी को अपडेट देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ पर जो अपडेट है इसके अंदर देखते हैं अब क्या कुछ नया बग्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो भाई आप सभी को पता है कि MIUI कितना बेकार UI है। आज के डेट के अंदर सबसे घटिया UI जो है ना, वो MIUI है। अगर आप लोगों को कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है ना, तो ज़िंदगी में कभी भी यहाँ पर पोको का स्मार्टफोन मत खरीदना जब तक पोको अपना खुद का UI ना लेके आए तब तक। कम से कम यहाँ पर पोको वालों को रियलमी वालों से सीख लेना चाहिए कि रियलमी कंपनी जब आई थी तो उसके 6 महीने के बाद इंडिपेंडेंट ब्रांड होने के बाद उन्होंने कलर OS के साथ मर्ज कर लिया था, कंप्लीट कलर OS वाले फीचर्स दे रही थी। पर यहाँ पर जब से ये पोको इंडिपेंडेंट ब्रांड बना भी है, तो इसको इंडिपेंडेंट ब्रांड का मतलब ही नहीं पता है। चार्जर के ऊपर मी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, अंदर जो लॉन्चर है वो सबसे घटिया लॉन्चर है पोको लॉन्चर, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा फीचर्स देखने को भी नहीं मिल जाते हैं। MIUI वाले कंप्लीट फीचर आपको पोको के डिवाइस के अंदर कभी देखने को मिलने ही नहीं वाला है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। तो अगर आपको स्मार्टफोन लेना हो तो सैमसंग का स्मार्टफोन लीजिए, रेडमी का ले लीजिए, चाहे यहाँ पर वीवो का, चाहे रियलमी का, चाहे ओप्पो का, पर ज़िंदगी में कभी फ़ोन मत लीजिएगा पोको का। समझ गए ना भाई लोग, आप ज़िंदगी में कभी भी स्मार्टफोन मत लीजिएगा पोको का जब तक आपके डिवाइस, जब तक यहाँ पर पोको अपना खुद का UI ना लॉन्च कर दे तब तक। तो शेम ऑन यू पोको, शेम ऑन यू Xiaomi। इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए पोको को कि पोको इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता है।
तो मैं भी दोस्तों बस वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। बस आप लोगों को बस इतना ही बताना था कि एक बजट स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉयड 11 का अपडेट को आज रिलीज कर दिया गया सैमसंग A10 के अंदर, और जहाँ पर हम लोगों ने 15,000 रुपये पर बात की है पोको M2 Pro के अंदर, अभी तक उसके अंदर एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं मिला है। और कब तक ये हम लोगों को देखने को मिलेगा वही मैंने आपको बताई दिया, बहुत ज़्यादातर सारी है यहाँ पर Xiaomi वाले। तो जब भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को टेलीग्राम पर बताई दूंगा, वीडियो बना के भी बताई दूंगा। तो फिलहाल आप लोगों का क्या ख्याल है यहाँ पर पोको के बारे में, जो कुछ भी कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा इस बेकार से रीब्रांडेड कंपनी की। बस ट्विटर के ऊपर इतना ज़्यादा रीट्वीट करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा लाइक करिए, ताकि जो ये हमारा वीडियो है ये ट्रेंड होना चाहिए ट्विटर के ऊपर, चाहे वहाँ पर ये रखिए बॉयकॉट पोको का नाम से ये ट्रेंड होना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर कराएं, चाहे यहाँ पर जाके ट्विटर के ऊपर कराएं, पर एक जगह जरूर ट्रेंड कराइए, ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि इन कंपनी का जो अकर है ना हमें ठिकाने लगाना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।